Hello dear students, kaise hain aap? I hope you are doing well and enjoying your studies, isn't it? My name is Ancho and you are welcome to my channel. Chaliye shuru karte hain. Aaj is video lecture mein hum log janenge benzene carboxylic acid aur substituted benzene carboxylic acid ki एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं. साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके पीके वैल्यू का इसकी स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है. अब मान लीजिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है और जिसमें कोई ग्रुप जी लगा हुआ है. इस ग्रुप जी को यहाँ पे लगाने का हमारा मोटिव ये है कि ये जो ग्रुप है ये इसकी ऑर्थो मेटा पैरा तीनों में से किसी एक पोजिशन पर हो सकता है. अब इस कंपाउंड में सबसे पहले इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं और यहाँ से एक एच पॉजिटिव रिलीज हो जाता है और इस एसिड से एच पॉजिटिव रिलीज होने के बाद इसका कंजुगेट बेस बन जाता है. अब इस कंजुगेट बेस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि इसका जो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है इसमें टू इक्विवेलेंट आरएस पॉसिबल हो सकती है और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब इस तरह से माइग्रेट करता है तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है और इन दोनों आरएस को हम इक्विवेलेंट आरएस कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर इन दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो इसके कार्बन पर भी डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि किसी भी कंपाउंड के कंजुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो उस कंपाउंड की एसिडिटी यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए उसकी के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जबकि पी के ए वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. चूंकि इसके कंजुगेट बेस में इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इस जी ग्रुप के थ्रू इफेक्टेड होगी. अब इसमें जी ग्रुप जो है वो दो टाइप का हो सकता है. अगर मान लीजिए जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये अपना -I -M टाइप का इफेक्ट शो करेगा, जिसमें से इन दोनों में -M इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट होगा और इस कारण से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. और जैसे ही इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसका के वैल्यू बढ़ जाएगा जबकि पी के वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. अगर मान लीजिए इसमें जी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखा हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसमें +I +H या +M टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं. अगर इसमें डोमिनेंट इफेक्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट +M होगा और सबसे कम डोमिनेंट इफेक्ट +I होगा. इस कारण से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने से इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी के ए वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जबकि पी के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इसके साथ साथ पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी देखा है कि अगर किसी भी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा अच्छा एसिड होता है और ऐसा इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कारण होता है. चूंकि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड में ही हो पाता है इसलिए इस इफेक्ट को हम ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं. अगर इसमें R वैल्यू की बात की जाए तो R वैल्यू यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और सभी तरह के हेलोजन हो सकते हैं और नाइट्रो ग्रुप हो सकता है. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को नोट किया था, जैसे ऑर्थो इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, उसकी के ए वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जबकि पी के ए वैल्यू उतनी कम हो जाएगी. इसी तरह से जो ऑर्थो इफेक्ट होता है वो अगर एल्काइल ग्रुप रखे गए हैं उनके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसी तरह से टू साइड का जो ऑर्थो इफेक्ट होता है वो वन साइड के ऑर्थो इफेक्ट पर हमेशा डोमिनेंट होता है. यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं. अभी हमने ये देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एच पॉजिटिव रिलीज होने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है उसमें इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है. तो यहाँ पर हम टाइम को बचाने के लिए इसके कंजुगेट बेस को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं और ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सीधा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज की मदद करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं. अब बात करते हैं इस कंपाउंड में जो मिथाइल ग्रुप रखा गया है उसमें +H और +I दो इफेक्ट होते हैं, जिसमें से +H इफेक्ट +I पे डोमिनेंट होता है. चूंकि पहले वाले
कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप रखा ही नहीं हुआ है, इसलिए अगर प्लस आई की बात करें इसमें प्लस आई पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरे कंपाउंड में प्लस आई लगेगा, तीसरे में भी लगेगा और इस तरह फोर्थ कंपाउंड में भी लगेगा। अगर हम प्लस एच इफेक्ट की बात करें तो अगेन फर्स्ट कंपाउंड में नहीं होगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है, सेकेंड कंपाउंड में प्लस एच होगा, तीसरे कंपाउंड में नहीं होगा और अगेन फोर्थ कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। अब तीसरे कंपाउंड में हमने इस मिथाइल का प्लस एच इसलिए कंसिडर नहीं किया है कि कभी भी दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजिशन पे होते हैं और उसमें से किसी ग्रुप का अगर प्लस एच या प्लस एम इफेक्ट हो तो वो वर्क नहीं कर पाता। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन चारों के जो सीबी होगा उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, इसलिए इसमें दो इफेक्ट से डिक्रीज होगे, इसमें केवल एक इफेक्ट से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अगेन इसमें दो इफेक्ट से होगी, जबकि इसमें एक भी इफेक्ट से स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस जो होगा वो कंपाउंड नंबर वन का होगा। इसके बाद कंपाउंड नंबर थर्ड आएगा क्योंकि उसमें केवल एक ही इफेक्ट जो है उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड नंबर सेकंड और फोर्थ की। सेकंड और फोर्थ में दो दो इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे खास बात यह है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। इसका मतलब इस कंपाउंड में लगने वाला हाइपर कंजुगेशन और इस कंपाउंड में लगने वाला हाइपर कंजुगेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में हम प्लस एच को कंसिडर किए बगैर ही हमको अब इसकी स्टेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्लस आई की। क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप नजदीक है इसलिए इस एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा उसको ये मिथाइल ग्रुप ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। इसमें मिथाइल ग्रुप की दूरी या डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ये मिथाइल ग्रुप इसके बनने वाले कंजुगेट बेस को उतना डिस्टेबल नहीं कर पाएगा, इसलिए कंपाउंड नंबर सेकेंड और फोर्थ में से जो फोर्थ नंबर कंपाउंड होगा उसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपाउंड नंबर सेकेंड से ज्यादा आएगी। और कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वही उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, यानी इस कंपाउंड की एसिडिटी का ऑर्डर भी बिल्कुल यही आएगा कि कंपाउंड नंबर फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कंपाउंड नंबर सेकेंड सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। अब बात यह रही कि हमने कहीं भी ऑर्थो इफेक्ट का जिक्र नहीं किया है, तो सबसे पहले इस टाइप से इफेक्ट को देखते हुए ऑर्डर निकाल लेना है, फिर ऑर्थो इफेक्ट का करेक्शन करना है। ऑर्थो इफेक्ट का क्या करेक्शन था? ऑर्थो इफेक्ट का ये करेक्शन था कि ऑर्थो इफेक्ट में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हो जाती है। चूंकि इसमें सेकेंड नंबर जो कंपाउंड है वो इसमें ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कंपाउंड नंबर वन से ज्यादा होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड कंपाउंड पीछे है, फर्स्ट कंपाउंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे इस सेकेंड कंपाउंड को यहाँ से पिक करके यहाँ फर्स्ट के आगे रख देंगे, तो अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो नया ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। ये इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ का फाइनल ऑर्डर होगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के फाइनल ऑर्डर को हम इसकी पीके वैल्यू के साथ अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी कम होती है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। इस एग्जांपल में जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो कुछ इस तरह का ग्रुप है जिसमें यहाँ से वो फ्री वैलेंसी के थ्रू एक हिस्सा बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि इस कार्बन पर कोई भी एच प्रेजेंट नहीं है इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के थ्रू कभी भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब ये है इन सभी एग्जांपल में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का हम प्लस आई इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें और फर्स्ट एग्जांपल में ये ग्रुप ना होने के कारण ये इफेक्ट एब्सेंट होगा जबकि बाकी तीनों में ये इफेक्ट प्रेजेंट होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा ये इफेक्ट ऑर्थो में लगेगा, उसके बाद ये इफेक्ट थोड़ा मेटा में कम हो जाएगा और पैरा में भी कम हो जाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट इसको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा इसके लिए इसके कंजुगेट बेस को एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि कंजुगेट बेस में जो कार्बोक्सिलेट कार्बन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। इसका मतलब ये है इन तीनों में ही जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा इन तीनों के कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा।
जबकि इसमें कहीं भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि अगर इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कंपाउंड नंबर वन का जो कंजुगेट बेस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे स्टेबल कौन होगा? सेकेंड नंबर पे स्टेबल वो होगा जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कम नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दूरी पे है, इसलिए इस एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हमारे पास इसके बाद आ गया फोर्थ नंबर का कंपाउंड, फिर आ जाएगा हमारे पास थर्ड नंबर का कंपाउंड, और सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास आ जाएगा सेकेंड नंबर का कंपाउंड। क्योंकि किसी भी एसिड की जो एसिडिटी होती है वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ इन चारों कंपाउंड की जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो वही ऑर्डर होगा जो इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का है। यानी वन नंबर कंपाउंड इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और सेकेंड नंबर कंपाउंड इसमें पुअर सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। अब अगेन यहाँ पे हमने ऑर्थो इफेक्ट की कहीं भी बात नहीं करी है, क्योंकि ब्यूटाइल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप होता है जो कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट शो कर सकता है, और ऑर्थो इफेक्ट का रिजल्ट ये आना चाहिए कि सेकेंड नंबर का जो कंपाउंड है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक नंबर कंपाउंड से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें अगेन इस दो नंबर कंपाउंड को हम यहां से शिफ्ट करके एक नंबर कंपाउंड के आगे ले आएंगे, तो इसका जो फाइनल हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर आएगा उसमें दो नंबर कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, जबकि तीन नंबर कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। इस एग्जांपल में हमारे पास बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का आपस में कंपैरिजन दिया है। क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है और ऐसी कंडीशन में फ्लोरीन का माइनस आई कंसिडर किया जाता है, तो अगर फ्लोरीन के माइनस आई को कंसिडर करें तो फर्स्ट केस में फ्लोरीन एब्सेंट होने के कारण माइनस आई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि सेकेंड नंबर कंपाउंड, थर्ड नंबर कंपाउंड और फोर्थ नंबर कंपाउंड इन तीनों में ही फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए फ्लोरो अगर ऑर्थो पोजीशन में है तो इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, उसके बाद ये इफेक्ट मेटा में सबसे ज्यादा होगा और सबसे लीस्ट ये पैरा में होगा। चूंकि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है और इन तीनों में से जब इनके यहां से एक एच को रिमूव करके कंजुगेट बेस बनाएंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस एफ एटम के थ्रू स्टेबलाइज होगा। अभी क्वेश्चन ये बना ये सबसे ज्यादा किस में स्टेबलाइज होगा? चूंकि ये माइनस आई इफेक्ट है इसलिए ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, तो उस केस में जहां पर इसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी वो वाला कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। यानी कि इसमें अगर हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो कंजुगेट बेस जो कंपाउंड नंबर सेकंड से बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर कंपाउंड नंबर थर्ड होगा, फिर कंपाउंड नंबर फोर्थ हो जाएगा, और सबसे लीस्ट स्टेबलाइज इसमें कंपाउंड नंबर वन होगा क्योंकि उसमें एफ एटम प्रेजेंट नहीं है। और किसी भी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसमें एसिडिटी का भी ऑर्डर यही होगा जो इसके कंजुगेट बेस का ऑर्डर है। इस पूरे ऑर्डर को हम पीके वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना लीस्ट एसिड होगा। अगर इसी एग्जांपल में जहां पे हमने एफ एटम को रखा है वहां पर उसी पोजीशन पर अगर बी आर एटम को रख लें तो जो बी आर एटम होगा इसके केस में भी इसका माइनस आई इफेक्ट से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी इसमें भी सेम ऑर्डर आएगा कि कंपाउंड नंबर सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर थर्ड होगा और फिर फोर्थ एंड देन लीस्ट एसिडिक वन होगा। इस एग्जांपल में हमारे पास टोटल फोर टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं जिसमें आखिरी वाले तीन में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर नाइट्रो ग्रुप के हम इफेक्ट की बात करें तो इससे माइनस एम इफेक्ट के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट होता है जिसमें से माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है। साथ में ही नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट भी शो करता है, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा अच्छे एसिड होंगे। अब बात करते हैं इस एग्जांपल में नाइट्रो ग्रुप का कहां कहां से कौन सा इफेक्ट शो होगा। जैसे अगर नाइट्रो ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट को कंसिडर करें तो फर्स्ट कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप एब्सेंट है, ये इफेक्ट भी एब्सेंट होगा। सेकेंड नंबर कंपाउंड में, थर्ड नंबर कंपाउंड और इसी तरह फोर्थ नंबर कंपाउंड में नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट शो होगा। और अगर नाइट्रो के माइनस एम इफेक्ट की बात करें तो अगेन कंपाउंड नंबर फर्स्ट में ये नाइट्रो ग्रुप एब्सेंट है इसलिए माइनस एम भी एब्सेंट होगा।
कंपाउंड नंबर सेकंड में और कंपाउंड नंबर फोर्थ में नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट प्रेजेंट होगा, जबकि कंपाउंड नंबर थर्ड में नाइट्रो ग्रुप अपना माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। अभी माइनस एम इफेक्ट क्यों नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इसमें मेटा पोजिशन में प्रेजेंट है और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजिशन में होने के कारण नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट इसमें शो नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट से स्टेबिलाईज होती है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इसमें माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ जिस कंजुगेट बेस में ये दोनों इफेक्ट प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और जिसमें ये दोनों इफेक्ट एब्सेंट हुए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब मान लीजिए इन चारों में से कार्बोक्सिलिक एसिड के एच को रिमूव करके हम कंजुगेट बेस बना लेते हैं, इससे इसके इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते ही इन चारों के कंजुगेट बेस में सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हमारे पास कंपाउंड नंबर वन होगा, क्योंकि इसमें एक भी माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसमें लीस्ट स्टेबल कंपाउंड नंबर वन होगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा वो कंपाउंड नंबर थर्ड होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी केवल माइनस आई से ही इंक्रीज हो रही है, यानी इसके बाद हमने रख दिया कंपाउंड नंबर थर्ड। अब बात करते हैं कंपाउंड नंबर सेकंड की और कंपाउंड नंबर फोर्थ की। इन दोनों में ही दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट प्रेजेंट है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन से सेम मैग्नीट्यूड का लगता है, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। इस कारण से कंपाउंड नंबर सेकंड और फोर्थ को हम माइनस एम के बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों ही केस में अब हमको नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस में नाइट्रो ग्रुप का डिस्टेंस कम होगा, इसलिए कंपाउंड नंबर सेकंड का जो कंजुगेट बेस होगा वो कंपाउंड नंबर फोर्थ के कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब इसमें कंप्लीट ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस सेकंड का होगा, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा हमारे पास फोर्थ, देन थर्ड, देन फर्स्ट आ जाएगा। चूंकि कंजुगेट बेस और एसिड की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए अगर इस कंपाउंड में हम एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें तो इसमें वो सेम ऑर्डर होगा जो हमने अभी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी में मेंशन किया है। अब इसके डेटा को हम इसकी पीकेए वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उस सीरीज का सबसे वीकेस्ट या पुअर एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर थर्ड और एग्जांपल नंबर फोर्थ में सबसे खास बात ये थी कि हमने इसमें ऑर्थो इफेक्ट का करेक्शन ही करा था, क्योंकि एग्जांपल नंबर थर्ड में और एग्जांपल नंबर फोर्थ में दोनों में इनका जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड था वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा अच्छा एसिड था, इसलिए हमको इन दोनों ही एग्जांपल में किसी भी तरह की करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्शन सिर्फ हम वहीं करेंगे जहां पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम हो। यहाँ पे हमारे पास चार तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं जिनको हम एक से लेकर फोर तक की मार्किंग की है। अब कंपाउंड नंबर फर्स्ट को कंसिडर करते हैं। कंपाउंड नंबर फर्स्ट में प्रेजेंट नाइट्रो ग्रुप माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है। कंपाउंड नंबर सेकंड का जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो केवल माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसमें कभी भी माइनस एम इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इसमें माइनस एम इफेक्ट पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर दोनों पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसमें रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने के कारण ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है इस तरह से रोटेट हो जाता है कि इसके जो पी ऑर्बिटल होते हैं अब एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहते, यानी कि इसमें स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट डेवलप हो जाता है। इसी तरह से कंपाउंड नंबर जो थर्ड होता है उसमें नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई भी होता है, माइनस एम भी होता है। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एस आई आर इफेक्ट का ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है, और इस ऑर्थो इफेक्ट का रिजल्ट हमने देखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है, और कंपाउंड नंबर फोर्थ में किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं इन चारों के कंजुगेट बेस की। चूंकि कंजुगेट बेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है, इसलिए कंपाउंड नंबर फर्स्ट का और कंपाउंड नंबर थर्ड का इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बट कंपाउंड नंबर थर्ड में एक्स्ट्रा ऑर्थो इफेक्ट होता है जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसलिए इस कंपाउंड में अगर हम एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कंपाउंड नंबर थर्ड होगा, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ ऑर्थो इफेक्ट होगा।
फिर कंपाउंड नंबर 1 होगा क्योंकि इसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इसके बाद कंपाउंड नंबर 2 हमारे पास आएगा क्योंकि इसमें केवल माइनस आई के थ्रू कंजुगेट बेस स्टेबलाइज होगा, और इस सीरीज का सबसे पुअर एसिड जो होगा वो कंपाउंड नंबर 4 होगा। इस एग्जांपल में जो पहले 3 कंपाउंड है उनमें डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट इफेक्ट होंगे। जैसे नाइट्रो ग्रुप में माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है जिसमें से माइनस एम डोमिनेंट होता है, इसी तरह कंपाउंड नंबर 2 का ओएमई ग्रुप प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है जिसमें प्लस एम इसका डोमिनेंट होता है। और हैलोजन के केस में ऐसी कंडीशन में हम माइनस आई इफेक्ट यूज करते हैं। फोर्थ नंबर कंपाउंड में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट ना होने के कारण इसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इन चारों के कंजुगेट बेस की। चूंकि इसके कंजुगेट बेस में जो कार्बोक्सिलेट का कार्बन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इस कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे। अगर इन चारों कंपाउंड में कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 नंबर का कंपाउंड होगा क्योंकि इस माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट जो है उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसके बाद कंपाउंड नंबर 3 आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस आई के थ्रू स्टेबिलिटी हो रही है। इसके बाद कंपाउंड नंबर 4 होगा क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही इसमें कोई नुकसान हो रहा है। और सबसे लीस्ट कंजुगेट बेस स्टेबल होगा कंपाउंड नंबर 2 का क्योंकि इसका कंजुगेट बेस ओएमई के प्लस एम के थ्रू डिस्टेबलाइज हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इस कंपाउंड की जो एसिडिटी का ऑर्डर आएगा ये ऑर्डर सेम वही होगा जो हमने कंजुगेट बेस में मेंशन करे हैं। यानी कंपाउंड नंबर 1 जो होगा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कंपाउंड नंबर 2 इसका सबसे वीक एसिड होगा। इसके कंप्लीट ऑर्डर को पीकेए वैल्यू के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं। जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उस सीरीज का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उस सीरीज का वीकेस्ट या पुअर एसिड होता है। फर्स्ट लुक में ये कंपाउंड हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इस कंपाउंड में टोटल 3 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड ए बी और सी प्रेजेंट है। अगर हम ए कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप प्रेजेंट है, और इस ग्रुप के कारण ए नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 साइड से ऑर्थो इफेक्ट डेवलप होता है, जबकि जो बी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी केवल एक ही ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी बी नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड से ऑर्थो इफेक्ट डेवलप होता है, जबकि सी नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी भी ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होता जो उसमें ऑर्थो इफेक्ट डेवलप कर सके। इसका मतलब ये है ए नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 साइड का ऑर्थो इफेक्ट, बी नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 साइड का ऑर्थो इफेक्ट होता है और सी नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। अब जो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, इसलिए 2 साइड ऑर्थो इफेक्ट जो होता है वो 1 साइड के ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट होता है। ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में और इसी वीडियो में कंसिडर किया है। इसका मतलब ये है इन तीनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, फिर बी होगा और सबसे लीस्ट एसिडिक इसमें सी होगा। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपने बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव में किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं और उसको पीकेए वैल्यू के साथ किस तरह से कोरिलेट करते हैं सीखा होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे बेंजोइक एसिड को कंसिडर करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर एसिडिक नेचर पर क्या इम्पैक्ट आता है उसको डिस्कस करेंगे।